Hey guys, welcome back once again on my channel. मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऑलिव ऑयल के बहुत सारे फायदे। जितना इसका फायदा हमारे हेयर के लिए होता है उससे कई गुना ज्यादा इसका फायदा हमारे फेस के लिए होता है, हमारे स्किन के लिए होता है। ये मैंने लिया आज का डिसैनो का ऑलिव ऑयल। इसके अंदर पाया जाता है विटामिन ए ई डी के और इसके साथ साथ इसके अंदर होता है एंटी ऑक्सीडेंट जो हमारी एंटी एजिंग में रिंकल्स पिंपल्स वगैरह में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज मैं आपके साथ सात बेनिफिट्स शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैं बेनिफिट्स शेयर कर रही हूँ, इससे आपका जो है जो एंटी एजिंग होता है सबसे वो कंट्रोल होगा। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है एक चम्मच ऑलिव ऑयल और उसके बाद एक चम्मच हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। मार्केट का आपको एलोवेरा जेल लीजिए, आपको इजीली कहीं से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में या फिर ब्यूटी कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगी। मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया है और ये बहुत ही अच्छा है, प्योर ट्रांसपेरेंट है, कोई भी स्मेल वाला कोई भी जो जिसमें स्मेल वगैरह होती है जिसमें मिलावट वो बिल्कुल यूज़ ना करे। और अगर पास इससे बेटर ऑप्शन है तो आपके पास अगर घर में एलोवेरा का पौधा है तो वो बेटर होगा दोस्तों, उससे और भी बढ़िया स्किन होता है, दाग धब्बे निकलते हैं, फेस के एंटी एजिंग का काम करेगा और साथ के साथ ही आपके चेहरे से पिंपल्स रिंकल्स झाइयाँ दूर करेगा। ये वाला जो नुस्खा है आपके चेहरे से रिंकल्स और झाइयों वगैरह को दूर करके आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवां बना के रखेगा। अगर आपकी जो एज अगर 30 है तो बहुत ही आप 20 के दिखोगे, 40 है तो 30 के दिखोगे। बहुत ही बेहतरीन आपका जो है ये वाला नुस्खा है। कुछ नहीं, सिर्फ हमने दो चीज़ इसमें मिलाया है ऑलिव ऑयल और उसके साथ साथ हमने लिया है इसमें एलोवेरा जेल। इन दोनों को मिला करके और आपको फेस में इसको अप्लाई करना है रात में दोस्तों। सोने के पहले ये वाला क्रीम जैसा बना के किसी भी डब्बे वगैरह में बंद करके रख सकते हैं फ्रिज में और सोने के पहले इसको आपको पूरे फेस में अच्छे से थोड़ा सा 5 से 10 मिनट तक मसाज करें। इससे आपका फेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स फ्री और जवान दिखेगा। इसके साथ साथ ही दूसरा नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, सेम ये वाला जो हमने बनाया है इसको आपको पैरों की जो एड़ियाँ अक्सर फटी होती है तो फटी एड़ियों को ये हील करेगा, आपके यहाँ पे जो है मॉइस्चराइज करके रखेगा और बिल्कुल भी ड्राइनेस होने नहीं देगा। और जब ड्राइनेस नहीं होगा दोस्तों तो आपकी एड़ियाँ जो है ना बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट और बिल्कुल जो है बच्चा जैसा दिखेगा, बिल्कुल भी फटी हुई नहीं रहेगी एड़ियाँ आपकी, बहुत ही जल्दी हील होगी अगर फटी हुई भी है तो। इस वाले को आपको रात में जैसे आप फेस में लगा के सोगे उसी तरीके से आपको पैरों को अच्छे से धो करके और अपने पैरों की एड़ियों पर इसको लगा के सो जाओ, आपका पैर एकदम बिल्कुल सुंदर और मुलायम और खूबसूरत रहेगा। तीसरा नुस्खा हम बना रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिवली आपको काम करेगा दोस्तों। इसके लिए हमने लिया है ये हमारा हनी है। हनी के तो फायदे आपको पता होगा, हनी के बहुत ही फायदे होते हैं, मेडिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर भरपूर मात्रा में होती है। हमारे सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आधा चम्मच हमने हनी लिया है और उसके बाद आधा चम्मच यहाँ पे हम लेंगे ये ऑलिव ऑयल जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलिव ऑयल है। इसको हमें मिक्स कर देना है और मिक्स करके दोस्तों आपको अच्छे से अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है। पहले अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है, इस तरीके से आपको मिक्स कर देना है। इससे आपके स्किन के जो है ना दोस्तों दाग धब्बे पिंपल्स रिंकल्स गायब हो करके आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना करके रखिएगा और आपका स्किन जो है ना दोस्तों जवान दिखेगा दोस्तों, झाइयों वगैरह दूर हो जाएगी, पिगमेंटेशंस को ये दूर करेगा। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। ऑलिव ऑयल के अंदर ये सभी चीज़ें होती है तो इसलिए हमेशा आप अपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने ये वाला नुस्खा तैयार किया हुआ है। अब इसको दोस्तों आपको कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। आपको पूरे फेस पे स्किन पे आप इसको लगा सकते हैं, आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा जवान और खूबसूरत करके रखिएगा इस तरीके से। और ख़ासतौर पर इसको आपको दोस्तों आपको लगाना है जैसे जहाँ पे भी आपको जो फटी हुई स्किन है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स है, झाइयाँ हैं, वहाँ पे लगा करके और इसके बाद आपको गर्म पानी से स्टीम लेना है अपने फेस पे। स्टीम लेने से आपके फेस के पोर्स ओपन होंगे जिससे आपकी जो है खूबसूरत स्किन हो जाएगी और उसके बाद आपको इसको हल्के गुनगुने पानी से पूरे फेस को वॉश कर लेना है। इस तरीके से हनी और ऑलिव ऑयल का मिश्रण तैयार कीजिए और फिर अपने फेस पे अप्लाई करके उसको गर्म पानी से स्टीम करिए और उसके बाद आपको गर्म पानी से धो लेना है। बहुत ही खूबसूरत आपका स्किन हो जाएगा, सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद का जो नुस्खा है ये बहुत ही बेहतरीन है। ये है दोस्तों आज का हमारा चौथे नंबर का ये DIY है, यानी कि नुस्खा है ऑलिव ऑयल का। ये हमारा नींबू लिया है हमने, लगभग आधा आपको नींबू का रस लेना है दोस्तों। नींबू का रस आपको पता होगा कितना इफेक्टिवली होता है हमारे
फेस के लिए हो या फिर आपके बाल के लिए हो, बहुत ही बेहतरीन होता है। आपके बालों को जितना अच्छा बनाता है, आपके फेस को भी ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर इस भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि आपके फेस को बहुत ही बढ़िया इफेक्टिवली चमका देता है दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल जो है ना, ग्लीज के जैसा काम करता है। उसके बाद हमने लिया है ये ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर ए डी ई के विटामिन्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे स्किन को बहुत ही खूबसूरत और जवान बना के रखता है। तो आज मैंने ये वाला जो डी आई बनाया है, ये स्पेशली फॉर है स्ट्रेच मार्क्स के लिए। अगर आपके मार्क्स वगैरह है, जैसे कि आफ्टर डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हो जाते हैं, तो घर का ये वाला नुस्खा आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जहाँ पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स है, इस तरीके से बना के इसको अप्लाई कीजिए। दिन में आप इसको 2 बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही बढ़िया जो है, बहुत ही इफेक्टिवली आपका स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाएगा, और इसके साथ साथ ही आपका स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, आपका स्किन बहुत ही ग्लो करेगा, और आपके स्ट्रेच मार्क्स को ये बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा दोस्तों। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है। इस तरीके से आपको जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे लगाएं, और काफ़ी अच्छे से इसको, जब तक आपका पूरा बॉडी इसको अब्जॉर्ब ना करे, तब तक इसको अपने हाथों से मसाज देना है। सेम इसी तरीके से अपने स्किन पे, फेस पे लगाएं, तो आपका स्किन, आपका जो स्किन है वो ग्लो करेगा, और आपका स्किन जो है ना बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत हो जाएगा दोस्तों। और लगाइए दोस्तों इसको, कम से कम दिन में 2 बार अप्लाई कीजिए। स्ट्रेच मार्क्स वगैरह जगह पे, अपने फेस पे बहुत ही खूबसूरत, और आपका स्किन बिल्कुल जवां और खूबसूरत दिखेगा। स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल कम हो जाएंगे, आपका स्किन ग्लो करेगा, बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा। ठीक है, तो ट्राई करिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये वाला रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट हैक्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हैक्स में हमने लिया है प्योर एलोवेरा जेल, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर किसी तरह का कोई सल्फेट वगैरह नहीं है, ना ही कोई स्मेल वगैरह है। तो इसी तरीके का आपको भी एलोवेरा जेल मार्केट से लेना है। अगर आप मार्केट से नहीं ले पाओगे, तो बाहर जो हमारा पेड़ पौधा वाला होता है, उसकी टहनी से आप जेल लेकर के ये वाला DIY या कोई भी जो भी मैं बताती हूँ वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग आधा चम्मच जो है एलोवेरा जेल लिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेकर के ये वाला नुस्खा बना करके रख सकते हो। ये हमारा है विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि आपको किसी भी मेडिकल शॉप में इवन 400 करके मिल जाएगा। ये विटामिन ई की कैप्सूल जो दोस्तों आपके स्किन को जवान और खूबसूरत बनाएगा, और साथ के साथ ही आपके स्किन से पिगमेंटेशन वगैरह को दूर करता है। ये हमारे जैसे स्किन के लिए अच्छा होता है, पिंपल्स वगैरह को दूर करता है, वैसे हमारे हेयर को भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। आपके बालों की बढ़ने की रफ्तार जो है ना, दोगुनी तिगुनी तिगुनी रफ्तार से बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से एक आपको विटामिन ई की कैप्सूल इसके अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, आपके फेस पे दाग धब्बे, दाने वगैरह निकल आते हैं, पिम्पल्स फुंसी वगैरह निकल आता है, वो कम हो जाएगा। और उसके बाद हमने लेना है डिसैनो का ऑलिव ऑयल, जो कि मैं यहाँ पे आधा चम्मच से 1 चम्मच के आसपास लूँगी, क्योंकि मैं अभी लगभग 1 टाइम या 2 टाइम के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बना के रखना है, तो इसको स्टोर करके फ्रिज में आप रख सकते हैं 1 सप्ताह 15 दिन के लिए। और इसको आपको लगाना है रात में, नाइट क्रीम के जैसा लगाइए पूरे फेस पे, स्किन पे। ये जो है आपके स्किन को जो है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम करके रखेगा। आपके जैसे नीज वगैरह अक्सर होता है, घुट, ये हाथों की कुहनियाँ होती है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके ऊपर लगा लगा के रखिए। वो काली है तो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके होठों पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपका होठ अगर काला है, वो सभी जो है बहुत ही अच्छे से जो है कम हो जाएगा, मतलब डार्कनेस कम कर देगा, आपकी स्किन को लाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा, पिंपल्स वगैरह को कम करेगा दोस्तों। पिंपल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिवली ये काम करता है ये वाला DIY। तो आपको पूरे स्किन पे इसको लगा लेना है, और कोशिश करें कि रात में लगाएं। रात में क्या होता है, आपका चेहरा बहुत टाइम तक जो है धूल मिट्टी नहीं जमती है, इसलिए बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और सुबह में अगर आप नहाते हो, नहाने के बाद भी एज ए क्रीम की तरह इसको लगाइए, और रात के में सोने के पहले आपको एज ए नाइट क्रीम की तरह आपको इसको अप्लाई करना है। आपके स्किन से जितने प्रॉब्लम्स है वो सब के सब दूर हो जाएगी। उसके बाद ये नुस्खा मैं बता रही हूँ, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप जो है अपने मेकअप ब्रश वगैरह, अक्सर होता है ऑलिव ऑयल, समझ नहीं आता कि मेकअप ब्रश को हम कैसे साफ करें, तो ऑलिव ऑयल लेना आपको इस तरीके से कॉटन में, रूई में इस तरीके से ऑलिव ऑयल लपेट ले, और उसके बाद जो भी ब्रश आपका गंदा है उसके ऊपर इस तरीके से आपको उसको 1-2 बार ऐसे घुमा लेना है, तो जितनी भी उसकी गंदगी है ना, सभी के सभी कॉटन के ऊपर आके चिपक जाएगी। अक्सर मेकअप करने के बाद हमारा ब्रश जो है गंदा हो जाता है, और साफ करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके पास ऑलिव ऑयल लेना है, डिसैनो का ऑलिव ऑयल मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा ऑलिव ऑयल है, ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही प्योर है, नेचुरल है।
तो इस तरीके से आपका मेकअप ब्रश भी जो है साफ रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप मेकअप करते हैं, मेकअप करने के बाद बहुत सारा जो है लोग मेकअप जो रिमूवर के लिए टेंशन लेते हैं कि क्या करना है, तो टेंशन ना ले, इस तरह के ऑलिव ऑयल लेकर के कॉटन की मदद से आपको पूरी फेस में इसको रब करना है, जहाँ भी आपने मेकअप किया है फेस पे हो, चाहे लिपस्टिक वगैरह के जल्दी निकलते नहीं है पानी से धोने से, काजल वगैरह नहीं निकलते हैं, तो इस तरीके से आपको एज ए मेकअप रिमूवर भी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आपको जो है बहुत ही बढ़िया जो है आपको मैंने आज ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल बताया। उसके साथ साथ ही अगर आपका जो है स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, आपके हाथ की कुहनी या फिर आपकी पैरों की जो है नीज वगैरह बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो ऑलिव ऑयल ज़रूर लगाएं। इसके साथ साथ ही ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल लोग दोस्तों को दोस्त बच्चों की मालिश में करते हैं, बच्चों की हड्डियाँ इससे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए ई डी के पाया जाता है, जो हमारे बच्चों को जो है तंदुरुस्त करता है और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्दी और हड्डियों को मजबूत करता है। इसके साथ साथ ही अगर आपके बैक पेन होते हैं, नेक में दर्द होता है, इसके लिए भी आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेस्ट ऑलिव ऑयल जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी डिसेनो का है, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ बहुत सारे डीआईवाइज में भी और बहुत सारे इस तरीके के होम रेमेडीज में भी। दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा दोस्तों। बैक पेन हो या फिर अपने फेस के रिंकल्स पिंपल्स को हटाना हो या फिर आपको फटी हुई एड़ियों को सही करना हो, इस तरीके से आप जो है किसी तरीके से जो है डिसैनो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत तरीके के ऑलिव ऑयल मिलेंगे, लेकिन प्योर और नेचुरल ऑलिव ऑयल जो है डिसैनो का है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको लेना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने घर एक जरूर ऑलिव ऑयल का डब्बा रखें दोस्तों, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबसे फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।